बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ मैनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की होती हैं, हाउ मैनी टाइप कितने तरह की हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ थ्री काइंड्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर कोई बिज़नेस एक बंदा उसे चला रहा हो और वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का अकेला ही रिस्पॉन्सिबल हो, ज़िम्मेदार हो, तो हम कहते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा बंदे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक से लेकर तीन तक अगर कोई दोस्त मिल कर एक बिज़नेस करते हैं तो इस तरह के बिज़नेस को कहते हैं पार्टनरशिप। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कंपनी में एक या एक से ज़्यादा 100 बंदा भी हो सकता है अगर इस तरह मिलकर कोई बिज़नेस करते हैं, इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की अहम ब्रांचें कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिस्टम कितनी तरह का होता है या किसकी किस्में कितनी हैं। देयर आर बेसिकली बुनियादी तौर पर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग दो तरह की है, कैश बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। या तो आप उधार पे या आप नकद, अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, ये कैश बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होता है कि आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो आपने उस वक्त कैश पे करना है, और अक्रूअल बेसिस ये होता है कि आपने उसको बाद में कैश पे करना होता है। इसी तरह से एक्सप्लेन कैश बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ सिस्टम या ऐसा सिस्टम होता है इन विच अकाउंटिंग एंट्री आर मेड। हम अकाउंटिंग एंट्री उस वक्त लिखते हैं ओनली सिर्फ व्हेन कैश इज रिसीव्ड या पेड, या तो आप कैश लें या आप किसी को कैश दें तब आप अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, द आर्ट एक ऐसा फन है ऑफ रिकॉर्डिंग जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं बाकायदा एंड क्लासिफाइंग, और हम इसकी फिर क्लासेस बनाते हैं एंड समराइजिंग और मुख्तसर करके द बिज़नेस ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ पीरियड, फाइनल पीरियड, साल के एंड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड रखते हैं हर ट्रांजेक्शन का, फिर उसे हम अलग अलग क्लासेस में लिखते हैं और उसके बाद उसको मुख्तसर करके साल के एंड में, एंड ऑफ द फाइनल पीरियड, साल के एंड में टू प्रिपेयर, हम उसी रिकॉर्ड से डाटा से बनाते हैं, टू प्रिपेयर बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो या फिर हम बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल अकाउंट कहलाएगा। गिव एनी थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मकसद क्या है। तीन बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो है ये टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग पीरियड रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टू प्रोवाइड मुहैया करना है इंफॉर्मेशन, मालूमात को अबाउट द अकाउंटिंग पीरियड, अपने अकाउंटिंग पीरियड के मुतालिक रिज़ल्ट देना, जैसे यह हमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ है, एंड इंफॉर्मेशन, और हमने इंफॉर्मेशन मुहैया करनी है, मालूम देनी है, गिवन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस कि अब बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, एंड प्रोवाइड और मुहैया करना है द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अगर हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा होगा तो और मैनेजमेंट करेंगे उसकी, क्या उसको मज़ीद प्रॉफिट गेन करें, और अगर लॉस में जा रहा है तो फिर उसकी मैनेजमेंट इंतज़ाम करेंगे हम किस तरह से लॉस से बच सकते हैं। एक्सप्लेन अक्रूअल बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस ये होता है कि इट इज़ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन विच इंट्रीज आर मेड, जिसमें हम इंट्री हमने उस वक्त पास करनी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम द ड्यू फॉर पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, जब हम कोई अमाउंट हैव बिकम द ड्यू, क्या वो बाद में आपने पे करनी है फॉर द पेमेंट या रिसाइट या रसीट, या तो आपने बाद में उसको पेमेंट करनी है, आप या उसकी कोई रिसीव करनी है। एक्सप्लेन मेन फंक्शन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग के मेन फंक्शन क्या है। कास्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसमें जी द मेन फंक्शन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग ये है टू असर्टेन
द कास्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, टू असरटेन द कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपने देखना है कि असरटेन द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट या सरफेस एंड कीप द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कास्ट। सिंपल है जी, असरटेन आपने वो कीमत किसी भी प्रोडक्ट की या सरफेस की आपने बतानी है, एंड कीप द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कास्ट। समटाइम आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी अगर बनाने की कास्ट फॉर एग्जांपल 5 रुपये है और आप उसे सेल कर रहे हैं 4 रुपये में, आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। आपने कास्ट अकाउंटिंग में उसकी कास्ट को कंट्रोल करना है ताकि आप वो चीज़ 3 रुपये में बनाएं और आप उसे 4 रुपये में बेचें। तो कास्ट को कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है, ये आपको कास्ट अकाउंटिंग बताएगी। व्हाट इज़ बिजनेस? हम बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस, बिजनेस से क्या मुराद है? कारोबार, कारोबार की तारीफ क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी, ऐसा कानूनी तौर पे कोई काम है अंडरटेकन जिसको हम कर रहे हैं फॉर द पर्पज, हमारा मकसद क्या है, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हमने पैसा कमाना है, हमने नफ़ा कमाना है, इज़ नोन एज बिजनेस, तो हम उसे बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन, एक बंदा हु परचेज अ कार, एक कार परचेज करता है एंड ऑफर इट ऑन रेंट, और उसे किराए पे देता है। इट मीन उसका मतलब ये है, हेज़ बिजनेस टू गिव अ कार ऑन रेंट बेसिस, कि उसका बिजनेस का मकसद क्या है, वो किराए पे कारें चला रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपने चीज़ों की एक्सचेंज करनी है या सर्विस, या आपने सर्विस देनी है बिटवीन द टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक आपने जी सैलरी पे की, ठीक है, एक आदमी ने सैलरी ली, आपने उसे सैलरी पे की। फॉर एग्जांपल, अली पेड सैलरी 2000, अली ने 2000 रुपये सैलरी दी, तो दो बंदों के दरमियान क्या हुई, एक्सचेंज हुई है पैसों की, तो ये क्या है जी, ट्रांजेक्शन है। इस तरह से कैश डिपॉजिट इंटर द बैंक, बैंक में पैसे जमा कराएं, तो बैंक आपसे पैसे ले रहा है और आप बैंक को पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये क्या, ये एक ट्रांजेक्शन है जी। अली परचेज पेन फ्रॉम बुक शॉप, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। तो एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विस बिटवीन द टू पर्सन इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये परचेज या सेल ऑफ गुड्स, या तो आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ मनी या पैसे दे रहे हैं, एंड रेंट, या आप किस चीज़ का रेंट दे रहे हैं, आप शॉप दुकान का, या आप दुकान का रेंट रेंट दे रहे हैं, या पेमेंट किसी चीज़ की कर रहे हैं, या कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है जी, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं जी, एक होते हैं कैश ट्रांजेक्शन। व्हाट इज़ कैश ट्रांजेक्शन? आर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जी किसे कहते हैं, विच अक्कर, ट्रांजेक्शन उस वक्त होगी अगेंस्ट कैश, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक पेन परचेज़ किया शॉप से और आपने का उसी वक्त उसकी जो अमाउंट है आपने पे कर दी, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। आ ट्रांजेक्शन विच अकर अगेंस्ट कैश, ये कैश के ऊपर अगर आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है तो इस कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? आपने कोई चीज़ परचेज़ की शॉप से और आपने उसको पैसे बाद में देने हैं, तो ये क्या होगी आपकी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार वे जिसे हम कहते हैं। इफ़ गुड्स आर परचेज, अगर आप गुड या चीज़ें कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, बट द पेमेंट या रिसीट हैज़ बीन मेड इन फ्यूचर, आपने उसकी पेमेंट कब करनी है, फ्यूचर में करनी है, इस कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अहमद, कि आपने अहमद को चीज़ें जी उधार पर सेल की। हु इज़ द प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर क्या होता है, मालिक कौन होता है, मालिक से क्या मुराद है? अ पर्सन हु इन्वेस्टेड, वो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है द कैपिटल, अपना ज़ाती सरमाया इन टू द बिजनेस, कारोबार में कोई बंदा अपना ज़ाती सरमाया अगर कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज़ एन ऑनर ऑफ द बिजनेस, वो अपने बिजनेस का मालिक है, एंड रिस्पॉन्सिबल, और ज़िम्मेदार है फॉर द प्रॉफिट, उसके नफ़े का, एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और नुकसान भी, उस कारोबार के नुकसान का भी वो ज़िम्मेदार है। तो जो बंदा इसमें पैसा लगा रहा है और उसके नुकसान और नफ़े का ज़िम्मेदार है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर कहलाता है। व्हाट इज़ गुड्स या मर्चेंडाइज, ये गुड्स हैं क्या, गुड्स से क्या मुराद है? ऑल दो थिंग्स, वो तमाम चीज़ें विच आर परचेज, जिसे आप परचेज करें फॉर रीसेल पर्पज़, उसे आपने क्या करना है, रीसेल पर्पज़ के लिए, क्या आप अपनी शॉप पे जी आपने बुक्स परचेज़ की या आपने
बहुत सारी कापियाँ परचेज़ की दूसरी शॉप से, और इसे अपनी शॉप पे आप रख के सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपने उसे दोबारा सेल करना है, तो आर नोन एड गुड्स, तो वो आपके क्या हैं, गुड्स हैं। यानी आपने कोई चीज़ परचेज़ की, इसलिए नहीं परचेज़ की कि आप उसे खुद इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की और उसे आपने दोबारा सेल करना है, ये आपकी गुड्स हैं। व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है ज़ाती सरमाया। ज़ाती सरमाया से क्या मुराद है? द अमाउंट ऑफ गुड्स, अमाउंट ऑफ गुड्स या कैश, आपके पास कितनी चीज़ें हैं या आपके पास कितना कैश है। विच द प्रोप्राइटर, जो के मालिक ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट इन इट इज, जो मालिक क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, कारोबार में लगाता है, तो वो क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज कैपिटल। तो क्या कहलाता है? कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, अहमद स्टार्टेड बिजनेस, अहमद ने कारोबार शुरू किया विद द कैश 25,000 रुपये एंड गुड्स वर्थ, उसने कारोबार शुरू किया, उसने जी 35,000 रुपये लग सॉरी उसने जी 1,000 रुपये की चीज़ें और 25,000 रुपये 10,000 की चीज़ें जी, उसने जी 10,000 की चीज़ें और 25,000 रुपये नकद उसने अपने कारोबार में लगाया, तो उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया जी? 35,000 रुपये। व्हाट इज़ अनर इक्विटी? अनर इक्विटी क्या है? इक्विटी या कैपिटल एक ही चीज़ होती है। इज़ द अमाउंट, वो रकम है इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन बिजनेस एंड द ऑनर क्लेम अगेंस्ट द एसेट। अनर इक्विटी होती है कि अगर किसी बंदे ने कोई पैसे या कोई चीज़ें अपने बिजनेस में लगाई तो उसका अनर इक्विटी या कैपिटल होगा, और वो क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द बिजनेस एसेट, उस एसेट के खिलाफ या उस एसेट के बारे में क्लेम कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है? उसका अनर इक्विटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कारोबार में कुछ चीज़ें लेकर आए और उस उनका हक है वो कि वो उसे जहाँ भी रखे उस या ले जाए या उसको इस्तेमाल करे, उसका हक है, तो उसकी क्या होगी? अनर इक्विटी होगी। वाट आर काइंड्स ऑफ परचेज? देर आर टू काइंड्स ऑफ परचेज। परचेज दो तरह की, एक तो कैश परचेज होती है और एक सेल क्रेडिट परचेज। वाट इज परचेज रिटर्न? वेन गुड्स फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, जब आप चीज़ें लें और आपको पता चले कि जी ये सही नहीं है, आपने कोई शॉप से ये पेन परचेज किया, तो ये आपने परचेज है आपकी, आपने उसे जी देखा कि वो लिखता ही नहीं है, वो ख़राब है या लीक है, तो ये क्या होगा? अनसेटिस्फैक्ट्री है आप उससे, वो आपका पेन ख़राब है, तो आप उसे दुकानदार को वापस कर देते हैं, तो इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। व्हेन गुड्स फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, जब आप मालूम करें कि जी चीज़ ये सही नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, सही नहीं है, एंड रिटर्न बैक टू द सप्लायर, जिसने आपको दिया आप उसे वापस कर देते हैं, तो आर कॉल्ड परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न होगी। सेल क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन द बिजनेस एट स्पेसिफिक प्राइस, जब आप एक ख़ास अमाउंट में किसी को कोई चीज़ बेच देते हैं, इस कॉल्ड सेल। गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश भी हो सकता है, या तो आप कैश पे, तो इसे कहेंगे कैश सेल, और अगर आपने गुड सेल की और क्रेडिट उधार पे, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्रेडिट सेल। व्हाट इज सेल रिटर्न? व्हाट इज सेल रिटर्न? सेल रिटर्न, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, जब गुड्स आप कस्टमर को वापस कर दे ड्यू टू सम डिफेक्ट, डिफेक्ट की वजह से और एनी रीज़न, किसी दूसरी वजह से, तो दे आर कॉल्ड सेल रिटर्न, तो हम इसे कहेंगे सेल रिटर्न हो गया। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या है? द डिडक्शन या अलाउंस, आपको किसी चीज़ की रियायत देते हैं, गिवन इन द बिजनेस कारोबार में बाय वन ट्रेडर टू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने कोई चीज़ परचेज की दुकान से, उसकी कीमत है 30 रुपये, और दुकानदार आपको कहता है जी इसकी कीमत आप मुझे 25 रुपये दें और 5 रुपये आपको रियायत दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी डिस्काउंट कहलाएगी। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा है जी ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें आपने परचेज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन परचेज़ किया, तो ये क्या है आपका
उसमें इसकी कीमत 20 रुपये, और दुकानदार आपको कहता है जी आप मुझे इसके 17 रुपये दे दें, 3 रुपये आपको रियायत देता हूँ, तो ये कैश डिस्काउंट हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि अगर आप उसे ना भी कहें और प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने डिस्काउंट देना होता है, फॉर एग्जांपल आपने जी कोई की बुक परचेज़ की और उसकी कीमत 250 है, तो उन्होंने उसका 10% के हिसाब से या जो भी उसकी ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज होती है उस रेट से उन्होंने आपको वो डिस्काउंट देना है, तो क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट है, यानी जो रियायत दिया है, जो अलाउंस दिया आपको, क्या आपका ट्रेड डिस्काउंट।